हाय, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल द टेस्टेल पे। आज हम बनाएंगे गट्टे की सब्जी। आप लोग अक्सर घर पे बनाते ही होंगे, लेकिन आज चलिए बनाकर देखते हैं मेरे स्टाइल में। खाने में बहुत टेस्टी है, ज़रूर इस रेसिपी को आप घर में ट्राई करके देखिएगा। तो चलिए आज की वीडियो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बोल लेंगे, उसमें हम डालेंगे 1 कप बेसन, इसके बाद इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, एक टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर, एक चौथाई टीस्पून हींग, और हम डालेंगे नमक, वो स्वाद अनुसार डालेंगे। इसको हमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा, हम इसमें डालेंगे 1/2 कप दही। दही डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसको नीड करेंगे, एक डो बनाएंगे। ये हम तैयारी कर रहे हैं गट्टे के लिए, तो हमारा डो बिल्कुल रेडी है। हाथों में हम लगाएंगे तेल और इस डो में से हम बनाएंगे गट्टे। तो इस तरह से हमने ले लिया है थोड़ा सा पोर्शन, इसको हमने ऐसे रोल कर लिया है और एक स्टिक के तरह फ्लैट सरफेस में हम इसको रोल करते रहेंगे, एक सिलिंड्रिकल शेप बना लेंगे। इसी तरह हम बाकी के बैटर से भी ऐसे ही शेप में तैयार करेंगे। हमने लगभग 4 बना लिए हैं सिलिंड्रिकल शेप के गट्टे। इसको हम पानी बॉईल करेंगे पहले पैन में, तो उसमें डाल देंगे। हम इसको पकने देंगे मीडियम फ्लेम में। जब ये पक जाएगा अच्छी तरह, तो ये पानी में खुद ब खुद फ्लोट होने लगेगा लगभग 7 मिनट के बाद। तो इसको हम निकाल लेंगे अलग से, और प्लेट में निकालने के बाद हम इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। अब हम तैयारी करेंगे ग्रेवी की। तो एक पैन मैंने लिया है, उसमें मैंने डाला है तेल या फिर घी, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। जब तेल गरम हो जाएगा, उसमें हम डालेंगे 1/2 टेबल स्पून जीरा, साबुत जीरा। इसके बाद इसमें हम डालेंगे खड़े मसाले, जैसे कि तेज पत्ता, लौंग, इलायची। इसमें हम डालेंगे अब प्याज, कटे हुए प्याज जो कि मैंने छोटे छोटे पीसेस में काटे हैं। 2 मीडियम साइज के प्याज लिए हैं मैंने। इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। गैस की फ्लेम आप मीडियम पे रखिए। जब ये थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, उसमें हम डालेंगे लहसुन जो मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट करे हैं। उसके बाद हम डालेंगे अदरक, वो भी मैंने छोटे पीसेस में चॉप कर रखा है। इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। आप इसको हिलाते रहिए, गैस की फ्लेम आप लो कर लीजिए। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, यानी कि धनिया पाउडर। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून जीरा पाउडर, एक टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इससे कलर और फ्लेवर दोनों बहुत अच्छा आता है। अब हम डालेंगे नमक, वो डालेंगे अपने स्वाद अनुसार। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1/4 हींग,
इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, पहले फ्राई होने देंगे। आप ध्यान रखिए मसाले जले ना, तो गैस की फ्लेम आप लो पर ही रखिए। इसके बाद इसमें हम डालेंगे 1 कप दही। दही को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम मैंने बंद कर रखी है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है गर्मा गर्म कढ़ाई में जब हम दही डालते हैं तो दही फट सकता है। उसके बाद में हम जब थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो गैस की फ्लेम ऑन कर लेंगे। इसमें हम डालेंगे 1 कप पानी, ताकि ग्रेवी थोड़ा सा पतला हो जाए। इसको हम 15 मिनट तक लो फ्लेम पे पकने देंगे। गट्टे जो हमने बनाए थे वो ठंडे हो गए हैं, इसको हम छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। आप चाहें तो इससे भी ज़्यादा छोटे पीसेस में काट सकते हैं। कुछ इस तरह हम काटेंगे इसको पीसेस में। अब हम एक पैन लेंगे, उसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून ऑयल या फिर घी, वो आपकी चॉइस है। हमने जो गट्टे पीसेस करे थे उसको हम अब फ्राई करेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। इसको हम मीडियम से लो फ्लेम में फ्राई करते रहेंगे, हल्का सा ब्राउन होने देंगे। ज़्यादा आप इसको क्रिस्पी मत होने दीजिए, क्योंकि ये हार्ड हो सकता है। इसको लगातार आप एक स्पैचुला से हिलाते रहिए। अब जो ग्रेवी हमने तैयार करी थी उसमें हम इन गट्टों को डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें मैंने धनिया डाल दिया था, चॉप्ड धनिया ऊपर से। पंद्रह मिनट और इसको पकाएंगे, ताकि जो गट्टे हैं वो ग्रेवी को थोड़ा सा सोक कर ले, मसाले का टेस्ट आ जाए। अब हम इसको गर्मा गर्म सर्व करेंगे। बहुत ही अच्छा कलर और टेक्सचर दिख रहा है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें। उससे आपको मेरी वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।